जी हाँ बहनों और भाइयों, खान पेंटर के और आपके अपने इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि गाड़ी में गुड्स कैरियर कहाँ लिखा जाता है, ओनर बोर्ड कहाँ लिखा जाता है और इसमें क्या क्या लिखा जाता है, गाड़ियों में नंबर प्लेटें कहाँ कहाँ और कितनी कितनी होनी चाहिए, नंबर प्लेटों की साइज़ क्या होनी चाहिए और राइटिंग की साइज़ कितनी होनी चाहिए, हॉर्न नोट ओके प्लीज कहाँ लिखा जाता है और कितना बड़ा होता है, आरटीओ नियम में मेरा भारत महान या ग्रेट इंडिया कहाँ लिखा जाता है, स्पीड 40 km यूज डीपर एट नाइट, वेट फोर साइड ग्रेट इंडिया मेरा भारत महान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, झाड़े लावा झाड़े जगवा, कीप डिस्टेंस। हाँ तो दोस्तों, आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, आप आरटीओ नियम वगैरह सब आसानी से समझ जाओगे। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि रेडियम कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आपने मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखा तो शायद आपको आरटीओ नियम के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको आरटीओ नियम के लिए और कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ जानकारी आपको मेरी इस वीडियोज़ में फ्री मिलेंगी। तो दोस्तों, सभी जानकारी को फ्री में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक लगे रहिए। वीडियोज़ को फ्री में देखने के लिए भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, इतनी सारी जानकारी लेने के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, और कम से कम एक दोस्त में मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि भाइयों आप तो जानते ही हो कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और हाँ दोस्तों, आपका एक लाइक एक कॉमेंट्स एक शेयर हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती रखता है। अब इधर उधर की डिस्क्रिप्शन को साइड में रखते हुए वीडियोस को ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ तो दोस्तों, आज के इस दौर में मोबाइल में नेट और जेब में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी के आधी जंग तो हम इन दोनों के बलबूते पर ही जीत लेते हैं, इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, सारी के सारी दुनिया मेरी जेब में। दोस्तों, मेरी इस वीडियोस से आपको ट्रक नॉलेज में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियोस में जो गाड़ी दिखाई दे रही है, आप कुछ देर के लिए इसे अपनी ही गाड़ी समझिए। और हाँ दोस्तों, एक और मेन काम की बात आपको बताता हूँ, ये जो गाड़ी आप पेंटिंग की देख रहे हैं, मैं इसमें सिर्फ आपको पेंटिंग ही नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि बॉडी बिल्डर, स्प्रे पेंटर, रेडियम आर्टिस्ट, वायरमैन, मैकेनिक, बॉडी कैबिन बनाने वालों से लेकर डेंटिंग पेंटिंग और सभी प्रकार के कलाकारों की कलाकारियों को मैं आपको इस वीडियोज़ में दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई आपकी पारखी नज़र से कोई बच नहीं सकता। आप इसमें ध्यान से देखिए, जैसा कि गाड़ी का कलर, बॉडी कैबिन बनावट, सजावट, डेंटिंग पेंटिंग, राफ्टर, बॉटम, चादर, सिंगल प्लेट्स, हरिंग, रेडियम वगैरह वगैरह, आपके सामने सब कुछ मौजूद है। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये सोचना होता है कि भाई गाड़ी बन गई, कलर हो गया और गाड़ी निकल गई तो किसी से कोई काम नहीं पड़ने वाला, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप हमारा ये नंबर सेव कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका ये भाई आपके बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है। गाड़ियों की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास। हमारे ग्रुप में गाड़ियों से जुड़े हुए सभी कलाकार मौजूद हैं, जैसे कि डेंटिंग पेंटिंग, मैकेनिक, बॉडी कैबिन शो रिपेयरिंग, वायरिंग, पाटे, रेडियम्स, सभी तरीके के कलाकार हमारी टीम में मौजूद है। आप चाहे तो खुद कॉन्टेक्ट कीजिए या हमसे रब्ता कीजिए। पेंटिंग की तो क्या बात करूँ जनाब, मेरी सभी पेंटिंग्स आपके सामने है। हाँ एक बात ज़रूर है, जितनी शक्कर डालेंगे उतना ज़रूर मीठा होगा। हाँ दोस्तों, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं जिस शहर में हूँ, धुलिया, धुलिया यानी कि इंडिया महाराष्ट्र का एक शहर है, हमारे शहर ऐसा है कि यहाँ पर इंदौर कैबिन शो बॉडी रिपेयरिंग, साथ ही साथ बेलगांव कैबिन, जोधपुर कैबिन, पंजाब कैबिन, राजस्थान कैबिन, हर प्रकार के कैबिन का काम हमारे यहाँ पर किया जाता है, यानी कि हर प्रकार की कैबिन का काम हमारे धुलिया शहर में होता है। दोस्तों एक बार फिर से आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि आप मेरी इस वीडियोस को लाइक कीजिए, कम से कम एक दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चंद साल पहले राजस्थान कैबिन बनाने के लिए राजस्थान जाना पड़ता था, पंजाब कैबिन के लिए पंजाब जाते थे, मोड़ासा कैबिन के लिए मोड़ासा वगैरह जाया करते थे,
बेलगांव कैबिन के लिए बेलगांव जाते थे। इंडोर कैबिन को इंडोर में बनाया जाता था। लेकिन दोस्तों अब आजकल धुलिया में सब कुछ बनता है। गाड़ी की एक नट स्क्रू से लेकर ग्रिस से लेकर पूरी बॉडी कैबिन शो कंप्लीट बनाया जाता है हमारे यहाँ पर। अब कहीं राजस्थान मोड़ासा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये सारे काम अब धुलिया शहर में ही हो जाते हैं।